नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर अभी तक आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की प्रक्रिया काफी इजी है। आप अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर की हेल्प से इसका आवेदन कर सकते हैं। शौचालय के आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना काफी मैंडेटरी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप अपने शौचालय के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी और जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का यह आप इसीलिए वेबसाइट है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और नीचे एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा। अगर आपने कभी इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना रखा है तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, अन्यथा फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर में आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, सिटीजन का नाम, मेल फीमेल, एड्रेस, स्टेट, उसके बाद इस कैप्चा को इस डब्बे में फिल कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया कि जो आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही आपकी आईडी, लॉगिन आईडी हो जाएगा और जो मोबाइल नंबर की लास्ट का 4 डिजिट है वह आपका पासवर्ड का वर्क करेगा। यहाँ पर सिंपल सा ओके पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, इस पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना, जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे। साइन इन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर अपना जो पुराना पासवर्ड है उसको डाल देंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड को चूज कर लेंगे, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने पासवर्ड चेंज का सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको होम बटन पर क्लिक कर लेना है। होम बटन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आएगा, जहां पर जिस भी कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका नाम यहां पर आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, जेंडर और उसका फुल एड्रेस यहां पर दे देगा। उसके बाद आपको ऊपर कॉर्नर में 3 लाइंस दिखाई देंगे, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शन शो होंगे, न्यू एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन और पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको देगा। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा नया रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद IHHL का फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली गई है, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, हैबिटेशनल नेम। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन ली गई है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मांगी गई है, जो भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर प्रिंटेड हो, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ आई एग्री डेट पर क्लिक करके आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे। हस्बैंड एंड फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कार्ड टाइप, कार्ड नंबर, जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर एक कार्ड टाइप में और कार्ड नंबर में आपका आधार कार्ड नंबर बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दे रखा है, यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो फिल करें, अन्यथा छोड़ दें। यहाँ पर एड्रेस को फिल करना काफ़ी मैंडेटरी है। इसके बाद आपको सेक्शन सी में आ जाना है और यहाँ पर आपसे आपकी बैंक डिटेल को मांगी गई है, जैसे यहाँ पर IFSC कोड। जैसे ही आप IFSC कोड को यहाँ पर इंटर कर देंगे आपके बैंक की कुछ डिटेल आपके सामने बाय डिफॉल्ट फील हो जाएंगी, जैसे बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ब्रांच यहां पर, बैंक का स्टेट, बैंक का डिस्ट्रिक्ट, और नीचे आपको यहां पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, कंफर्म अकाउंट नंबर। दोस्तों, यहां पर कंफर्म अकाउंट नंबर के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा चूज फाइल का। यहां पर आपके पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा, उसमें आपका जो फॉर्मेट होगा स्कैन कॉपी की PDF हो सकती है, JPEG हो सकती है, JPG हो सकती है, PNG हो सकती है, और इसका जो मैक्सिमम साइज बताया गया 200 KB के अंदर होनी चाहिए, देखिए यहां पर दिया गया है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन यहां पर दिया जाएगा, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहां पर कुछ इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करना, और यहां पर देखिए आधार कार्ड सक्सेसफुली वैलिड हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। उसके बाद सारे डिटेल कुछ इस तरह से फिल हो जाएंगी। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा, सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर। यहां पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा, उसको आपको नोट करके रख लेना इन फ्यूचर यूज करने के लिए। फ्यूचर में जब भी इसका उपयोग होगा आपके स्टेटस को ट्रैक करने के लिए तो आप इसका उपयोग करके अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है अपने एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को चेक करने के लिए थ्री डॉट्स जो थ्री लाइंस बनी इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके सामने देगा, सेकंड नंबर पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स दी होंगी और लास्ट में यहाँ पर ट्रैक स्टेटस का एक ऑप्शन देगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन को दे रखा, जहाँ पर नाम, जेंडर, जो भी आपकी डिटेल्स वहाँ पर फिल की गई सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। और नीचे एक ऑप्शन और आपको दिया गया है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, डेट और टाइम यहाँ पर दिया गया कि किस डेट को और किस टाइम को एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीट किया था। तो दोस्तों है ना कमाल की इन्फॉर्मेशन। इस कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करते हुए सभी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना भूले। साथ में आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।